खबर का असर, गांव रामनगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया गया कैंप, अधिकारियों ने डाला डेरा। असमोली थाना क्षेत्र के गांव रामनगर में हेपेटाइटिस सी से दो मौतें हुई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए रामनगर गांव में अधिकारियों ने डेरा डाला, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरन्नुम रजा, उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्र, पुलिस क्षेत्र अधिकारी संभल जितेंद्र सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी, थाना प्रभारी असमोली संजय कुमार, विकास खंड अधिकारी कमलकांत सिंह आदि अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि हम बार बार गांव में आकर चिकित्सा कैंप लगाएंगे, जांच करवाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरन्नुम रजा व उप जिलाधिकारी विनय कुमार जी ने जनता को बताया कि हेपेटाइटिस सी पानी से नहीं होता, पानी की कमी से या गंदगी से और अन्य बीमारियाँ होती हैं, लेकिन हेपेटाइटिस जो बह पानी के कारण नहीं होता। ग्रामीणों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि पानी के पीने के लायक नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, समरसेबल एवं नलों में पानी पीले रंग का आता है, जिससे लोग बीमार हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 100 से अधिक मौतें हेपेटाइटिस सी अर्थात काला पीलिया की वजह से हो गई हैं, लेकिन कोई भी इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आपके गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार कैंप लगाए जाएंगे, सभी की जांच की जाएगी, बीमार लोगों की दवाई दी जाएगी, उनको ठीक किया जाएगा। और हम उसी में अपने को एक्सपर्ट समझने लगते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट तो नहीं है। उस दिन सीएमओ साहब आई थी, ठीक मानेंगे तो ये तय करेंगे ना, मतलब रिपोर्ट से पता चलेगा ये किस चीज से क्या हो रहा है। रिपोर्ट दो तरह की होती है, एक तो लोकल पैथोलॉजी होती है आपकी, जो लोकल होती है जगह जगह खुल रही है। अभी लाल पैथ पे जाओ, अपना ब्लड टेस्ट कराओ, आपको एक्यूरेट चीज बताएगा, बिल्कुल वो है सर्टिफाइड, बात समझ रहे। अभी तुम्हें 70 रुपए में रिपोर्ट दे देंगे, वो 450 में देगा। रामनगर आई हैं, यहाँ पर मौतों का सिलसिला जारी है और ग्रामीणों की शिकायत मिल रही है हेपेटाइटिस सी से जो पीड़ित हैं यहाँ पर, ये मैम बताएंगी इनके बारे में क्या पूरा मामला है। अभी हेपेटाइटिस सी तो देखिए पानी से तो फैलता नहीं है का, और बाकी जिन चीज़ों से फैलता है वो बताया कि उसके बारे में ये लोग वो रख के किसी नाई आई की तो कभी भी मतलब कटे पिटे किसी उससे नाई किया जाते हैंगे या यौन संबंध से जो होते हैगा या सुई जो इंजेक्शन लगा लेते हैं, नशीले पदार्थ लेते हैं, इन सब से होता हैगा, और पानी से नहीं होता हैगा, लेकिन पानी से और भी बीमारियां हो सकती हैंगी, तो हम लोग उसके लिए इलाज ही कर सकते हैंगे। बाकी तो ये जो हैगा प्रिवेंशन के लिए के मतलब होने ना पाए, ये ऐसी कुछ ना करे कि होने ना पाए, इसके लिए तो इन्हीं लोगों को एफर्ट या ब्लड चढ़ने से होता है का, किसी को मान लिए गंभीर बीमारी ब्लड चढ़ जाता है तो उसके लिए तो इन्हीं लोगों को करना पड़ेगा। बाकी हम लोगों की टीम लगातार आती हैगी, टेस्ट करती हैगी, दवा देती है, वायरल लोड करा रही हैगी, फिर वायरल लोड कम हो जाता है तो बंद होती, नहीं तो फिर चलती है दवा। मैम हेपेटाइटिस से जो पीड़ित हैं उनका ये कहना है कि शुगर मिल में DSM कोई गन्ना फैक्ट्री है जिसका दूषित पानी इनके गांव के निकट किसी नहर में चल रहा है या उसके कारण इनकी बीमारी हो रही है, ऐसा क्या है मैम, इसके बारे में बताइए। पहली बात तो ये पानी से बीमारी फैलती ही नहीं, भाई शुरू में सबसे पहले यही हम बताएं कि इसके बीमारी के फैलने के जो कारण हैंगे वही दूसरे हैंगे, लेकिन फिर भी पानी तो इतना गंदा नहीं होना चाहिए, उससे और 10 तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, तो उसके लिए आप नगर जो ग्राम पंचायत वालों से BDO से इन लोगों से सबसे कहिए उसको वहाँ का पानी वो लोग शुगर मिल वालों से कहिए वो सही कराएं, उसके लिए आप लोग एफर्ट करिए। हम लोग तो अपना काम ट्रीटमेंट का कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं कि किन चीज़ों से होता है, उन चीज़ों से बचाव करें।